कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी स्थित वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का फर्जी ऑक्शन करके 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में कटघोरा पुलिस ने जुबिलेंट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर के ऑफिस एग्जीक्यूटिव शशिकांत की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फर्म इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल LPP द्वारा 2 माह पहले वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का ऑक्शन संपादित किया था। इसमें कंपनी द्वारा जानबूझकर अपनी जमीन भवन और बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का ऑक्शन भी किया था। इसके लिए जुबिलेंट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 10% रकम 25 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से जमा किया, जबकि पूरा ऑक्शन फर्जी निकला। इसके बाद जुबिलेंट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सतीश अग्रवाल की ओर से शशिकांत ने लिखित शिकायत की। पुलिस ने आवेदन के आधार पर आरोपी संजय गुप्ता और वसीम अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एक मामला है कि अभी वो जो छोटी वंदना पावर प्लांट है बैंक के द्वारा सीज की गई है, उसके एजेंट जो है संजय गुप्ता और अशीम अंसारी द्वारा एक विज्ञापन जारी करके उसके नीलामी का विज्ञापन दिया गया था। तो उस नीलामी में यहाँ के 3 पार्टनर लोग जो थे वो शरीक हुए थे। तो उनके द्वारा जमीन, स्ट्रक्चर और पावर प्लांट तीनों का अलग अलग नीलामी की कार्रवाई हुई थी। तो उन्होंने उसमें जो टोकन मनी होता है लगभग 2.5 करोड़ रुपया दिया हुआ था। तो बाद में इनको पता चला कि जमीन जो है, जमीन को बेचने का अधिकार उनको नहीं है। एक गलत विज्ञापन जारी करके इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया उनसे वसूल लिया है। और जब वापसी चाहा गया तो वापसी करने में आनाकानी कर रहे थे, उसी बेस पे 420 और 409 का अपराध पंजीबद्ध है। संजय गुप्ता और अशीम अंसारी करके दिल्ली के हैं, ये एजेंट हैं, उनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।